हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 6 सेमेस्टर के फोर्थ पेपर के बारे में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 3 घंटे का समय सीमा रहेगा, कुल 5 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको 20 अंक क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग टाइप में आपको 60 नंबर क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 अंक का होगा। तो पहले क्वेश्चन में आपसे 10 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्यस्थम क्या है समझाइए, मध्यस्थम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, अंतरिम पंचायत की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मध्यस्थम की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, कब साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता लेना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुकल्पी विवाद निपटारा विधि पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, निपटारा करार से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत का प्रारूप तथा अंतर्वस्तु क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, लघु विचारण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्तालाप को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक मध्यस्थ की नियुक्ति कब पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्यस्थम करार से आप क्या समझते हैं। अब आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करने हैं, प्रथम यूनिट से एक क्वेश्चन करने हैं। भारत में मध्यस्थम विधि के विकास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, मध्यस्थम के लाभों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मध्यस्थम करार से आप क्या तात्पर्य है, किन विषयों को मध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जाता जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे यूनिट से, मध्यस्थम न्यायाधिकरण की शक्तियाँ एवं क्षेत्रकार की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मध्यस्थम कार्रवाई का संचालन कैसे किया जाता है व्याख्या कीजिए। अब आपको तीसरे यूनिट से एक क्वेश्चन करने हैं, मध्यस्थम पंचायत की अंतिमता एवं प्रवर्तन से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत अपील संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, चौथे यूनिट से इसमें एक क्वेश्चन करने हैं आपको, लोक अदालत की शक्तियों की विवेचना कीजिए, सुलह कार्रवाई के प्रारंभ तथा उसके समापन की स्थितियों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।